इंडियन आर्मी का रोबोट डॉग दिखाएगा अपनी ताकत, दुश्मन के ठिकानों पर फायरिंग करेगा रोबोट डॉग। रोबोट डॉग को सुनकर आप सोच रहे होंगे कि रोबोट तक तो सही था, लेकिन इसके आगे डॉग क्यों लगाया गया और सेना में इसका आखिर क्या काम? तो आज हम इसके बारे में पूरी जानकारी आपको देंगे, क्योंकि अब युद्ध अभियानों में भी रोबोट डॉग अपना जलवा दिखाएगा। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ हर्ष भारद्वाज, आप देख रहे हैं शेष भारत। इन दिनों पूरी दुनिया में आधुनिक हथियारों की होड़ मची हुई है, खास तौर पर ऐसे हथियारों की जो मानव रहित हों, ताकि युद्ध में इंसानी जान कम जाए। आपने अब तक एक से एक आधुनिक हथियार तो देखे होंगे, लेकिन ये रोबोट डॉग आपकी कल्पना से भी ज्यादा खतरनाक है। दरअसल भारतीय सेना ने निगरानी बढ़ाने और युद्ध अभियानों में सहायता के लिए एक रोबोटिक डॉग म्यूल तैयार किया है। इसका सफल परीक्षण पोखरण में 12 मार्च को होने वाले सेना के युद्धाभ्यास में दिखाई देगा। म्यूल यानी मल्टी यूटिलिटी लेग इक्विपमेंट, जिसमें कई खूबियां हैं और ये दिखने में बिल्कुल डॉग के आकार का होता है। इसकी सबसे बड़ी खासियत है कि इसका डिजाइन, जो इसे बर्फ, रेगिस्तान, ऊबड़ खाबड़ जमीन, ऊंची सीढ़ियों, यहाँ तक कि पहाड़ी इलाकों में हर बाधा को पार करने में सक्षम बनाता है। यही नहीं, इसमें खास तकनीक भी है। इसके जरिए दुश्मन के ठिकानों पर फायरिंग भी की जा सकती है, साथ ही ये थर्मल कैमरों और रडार से लैस है। दरअसल 12 मार्च को राजस्थान के पोखरण में भारतीय सेना की ओर से स्वदेशी हथियारों और उपकरणों की ताकत का प्रदर्शन किया जाएगा। इससे जुड़ी एक शॉर्ट वीडियो भी इंडियन आर्मी की ओर से एक्स पर पोस्ट की गई है। इसी में भारतीय सेना का रोबोटिक डॉग म्यूल भी एक्शन में नजर आता है। ये रोबोट डॉग साल 2023 में ही भारतीय सेना के मिलिट्री इंटेलिजेंस में शामिल किया गया था। तो चलिए जल्दी से अब आपको इसकी खासियत भी बता देते हैं। रोबोटिक डॉग म्यूल, जिसे मल्टी यूटिलिटी लेग इक्विपमेंट कहते हैं, ये देखने और कद काठी में बिल्कुल डॉग जैसा नजर आता है। इसकी चार टांगे हैं। म्यूल का वजन करीब 51 किलो के आसपास है। इसकी लंबाई 27 इंच है। ये मात्र एक घंटे में रिचार्ज हो जाता है। इसके बाद लगातार 10 घंटे तक काम करने की क्षमता रखता है। म्यूल की पेलोड क्षमता 12 किलोग्राम है। इसमें कैमरे और सेंसर के अलावा सेना के जवानों को किसी भी नुकसान से बचाते हुए दुश्मन के ठिकानों पर गोलीबारी करने की भी तकनीक शामिल की गई है। फिलहाल जब आधुनिक हथियारों की बात आती है तो सबसे पहले अमेरिका का नाम ही दिमाग में आता है, क्योंकि हथियारों के मामले में अमेरिका हमेशा आगे रहता है। लेकिन अब भारत भी धीरे धीरे अव्वल हो रहा है। तभी तो भारत ने रोबोटिक डॉग म्यूल तैयार किया है, क्योंकि अगर रोबोटिक डॉग की बात करें तो सबसे ज्यादा अमेरिका के रोबोटिक डॉग की बात दुनिया में होती है, क्योंकि अमेरिका के पास ऐसा रोबोट डॉग पहले से ही मौजूद है। अक्टूबर 2021 में अमेरिका ने अपने यूएस आर्मी क्रीड शो में एक 6.5 मिलीमीटर क्रीडमूर स्नाइपर राइफल को रोबोट डॉग के साथ पेश किया था। अमेरिका का ये रोबोट डॉग 3,940 फीट दूर तक निशाना लगाने में सक्षम बताया जाता है, जिसके बाद दुनिया के कई देश ऐसे ही रोबोटिक डॉग को बनाने में जुटे थे, जिसमें भारत ने सफलता हासिल की है। खैर, इस वक्त इंसानों का युद्ध दिनों दिन डरावना होता जा रहा है। खासकर भारत का दुश्मन देश युद्ध को और खतरनाक बनाने की कोशिश कर रहा है, यानी चीन। और इस वक्त दुनिया परमाणु युद्ध के मुहाने पर खड़ी है। ऐसे में पिछले दिनों दुश्मन देश चीन ने ड्रोन और रोबोट डॉग का एक सनसनीखेज वीडियो रिलीज किया था, जिसके बाद भारत ने भी रोबोट डॉग बनाने की ठानी और भारत ने इसमें सफलता हासिल की। फिलहाल अब डिफेंस सेक्टर में इसका बड़े पैमाने पर इस्तेमाल किया जा रहा है, क्योंकि ये मल्टीपर्पज रोबोट हैं, जो डिप्स लगा सकते हैं, डॉग की तरह चल सकते हैं। इस तरह के रोबोट दुनिया में बहुत कम देशों के पास हैं। इन पर कई किलो वजन लादा जा सकता है। बैटरी लाइफ की बात करें तो ये करीब 90 मिनट तक लगातार काम कर सकते हैं और इस दौरान 5 से 6 किलोमीटर तक का सफर तय कर सकते हैं। इसकी बॉडी के चारों तरफ स्टीरियो कैमरे लगे हैं। इसकी मदद से 360 डिग्री की फोटो लेकर मैप तक को बनाया जा सकता है। उबड़ खाबड़ सतहों पर भी ये अच्छी तरीके से चल सकते हैं। ये सीढ़ियां भी चढ़ सकते हैं और खुद को बैलेंस भी कर सकते हैं। यानी ये कहा जा सकता है कि भारत का बनाया हुआ रोबोटिक डॉग म्यूल हर तरह से शानदार है।
और ये मिनटों में दुश्मन को जवाब देने में सक्षम है, जो दिखाता है कि रक्षा क्षेत्र में भारत कितना आगे बढ़ चुका है। और एक दिन ऐसा होगा जब रक्षा क्षेत्र में भारत दुनिया के सबसे पावरफुल देश से भी आगे होगा। ऐसी और खबरों के लिए आप देखते रहिए श्रेष्ठ भारत। श्रेष्ठ भारत पर खबरों से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं और देखते रहें श्रेष्ठ भारत।